नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करेंगे बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। पिछले 3 महीनों में आप लोगों ने हमसे सुनना चालू किया कि आपके यहाँ हर एक आउटलेट में BOH या बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स होंगे, जैसे आपके FOH फ्रंट ऑफ द हाउस ऑडिट्स होते हैं, या उनको हम कभी कभार मिस्ट्री ऑडिट, फ्रंट ऑफ द हाउस ऑडिट भी बोलते हैं। वैसे ही हर एक आउटलेट में बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स भी होंगे। बैक ऑफ द हाउस का क्या मतलब होता है? बैक ऑफ द हाउस को हार्ट ऑफ द हाउस भी बोला जाता है। हार्ट मतलब दिल। बैक ऑफ द हाउस वो जगह है जहां हमारा खाना बनता है, जहां हम अपनी सभी तरह की तैयारी करते हैं, चाहे वो प्याज छीलना हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे अपने कटलरी क्रॉकरी बर्तनों को धोना हो, उनकी साफ सफाई करनी हो, वो पूरा बैक एरिया हमारा हार्ट ऑफ द हाउस है, हमारा बैक ऑफ द हाउस है। ठीक है जी, जितना ज़रूरी फ्रंट ऑफ द हाउस है कि हम ग्राहक से कैसे पेश आ रहे हैं, गेस्ट का ध्यान कैसे रख रहे हैं, रेस्टोरेंट की साफ सफाई का ध्यान कैसे रख रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है बैक ऑफ द हाउस ऑडिट। क्योंकि अगर हम अपने बैक ऑफ द हाउस में, अपने दिल में जो पीछे का एरिया हमारा है, हमारे चाहे किचन हो, चाहे धुलाई का एरिया हो वगैरह वगैरह, और स्टोरेज हो, अगर इन चीज़ों को हम ढंग से मेंटेन करके रखेंगे तो हमारे फ्रंट ऑफ द हाउस में काम करने में बेहद आसानी रहेगी। ठीक है जी, जैसे हमारा दिल हमारे पूरे शरीर को चलाता है, उसमें खून पंप करके, वैसे ही बैक ऑफ द हाउस या हार्ट ऑफ द हाउस जो एरिया है वो हमारे पूरे आउटलेट्स और पूरे सिस्टम को चलाता है तरीके से। ठीक है जी, अपने किचन्स को साफ रखना, अपने बैक एरियाज को ऑर्गेनाइज करके क्लीन रखना, स्टोरेज को प्रॉपरली मेंटेन रखना कि वो साफ सुथरी भी हो और सभी माल हमारे पास अवेलेबल हो, ये सभी पार्ट्स हैं बैक ऑफ द हाउस के। बैक ऑफ द हाउस बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स में देखी जाती है, वो है क्लीनिंग, हाइजीन एंड मेंटेनिंग द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हमने अपने खाने को अपने फ्रिज और अपने शेल्फ्स पे किस तरह से रखा हुआ है, क्या वेज नॉन वेज अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, क्या हायर कुकिंग टेम्परेचर का कच्चा चिकन आइटम या कच्चे अंडे रेफ्रिजरेटर के सबसे नीचे वाले शेल्फ में हैं, और पके हुए आइटम जैसे कि तंदूरी चिकन या फिर फिश ऊपर वाले खाने में हैं, ऊपर वाले खाने मतलब ऊपर वाले शेल्फ में हैं, क्या हमने कच्चे और पके हुए खाने को अलग कर रखा है, क्या हमारे डस्टबिन्स के ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं जिससे कि मक्खी मच्छर नहीं आए, क्या हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं अपने किचन्स और अपने बैक ऑफ द हाउस में जिससे कि हम हर एक चीज़ हमारी साफ सुथरी रहे और गेस्ट को भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। जब सामान आप रिसीविंग करते हैं, सब्जियों की, चिकन की, मटन की, घी की, मक्खन की, पनीर की, मावे की, क्या जब ये रिसीविंग हो रही है तो क्या हम सभी स्टैंडर्ड्स रिसीविंग के फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा रिसीविंग एरिया साफ सुथरा है, क्या हमारा रिसीविंग करके जो सप्लाईज ये हम जहाँ पे रखेंगे वो फ्रिज स्टोर्स साफ सुथरे हैं या नहीं, क्या हमारे बैक ऑफ द हाउस के टीम मेंबर्स की यूनिफॉर्म अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बैक ऑफ द हाउस ऑडिट, ऑडिट का मतलब चेक। ठीक है जी, तो कोई बाहर से आता है जो हमारे बैक ऑफ द हाउस को चेक करता है और हमें एडवाइस देता है कि हम कैसे अपने बैक ऑफ द हाउस को बेहतर तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बैक ऑफ द हाउस या हार्ट ऑफ द हाउस ये जो जगह है ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना और इसका ध्यान रखना। तो प्लीज़ बैक ऑफ द हाउस ऑडिट से परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बैक ऑफ द हाउस ऑडिट हो उसे आप ढंग से करवाएं, उसमें कहाँ कमी आई है उन कमियों को देखें और उन कमियों की भरपाई करें। ठीक है जी, अपनी टीम मेंबर्स को ट्रेन करके उन कमियों को बेहतर करें। एज अ कंपनी हमारे लिए ये हर महीने बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स कराना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम जान पाएँ कि हर एक आउटलेट में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं, क्या हमारे टीम मेंबर्स चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। तो बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने फ्रंट ऑफ द हाउस ऑडिट्स ज़रूरी हैं। बैक ऑफ द हाउस का खास ध्यान रखें, साफ सफाई, हाइजीन, क्लेनलीनेस, मेंटेनेंस, टॉयलेट टूटी हुई तो नहीं है,
कॉकरोच तो आपके यहाँ नहीं दौड़ रहे, क्योंकि कॉकरोच और पेस्ट हमारे रेस्टोरेंट्स में कहीं भी जगह नहीं रखते, चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर हो चाहे किचन में पीछे हो। ठीक है जी, तो बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स का खास ध्यान रखें। जो ऑडिट्स हो रहे हैं, अभी होने चालू हुए हैं, पिछला महीना पहला महीना था ऑडिट्स का, तो प्लीज़ ऑडिट्स के बारे में सीखें, अपनी टीम को सिखाएं और अपने आप को हर महीने बेहतर बनाते चलें। बैक ऑफ द हाउस ऑडिट्स बेहद ज़रूरी हैं, ध्यान रखें और इसके ऊपर काम करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।